हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द गॉड ऑफ लिटरेचर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। जब भी ड्रामा की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, वो है विलियम शेक्सपियर। उन्होंने 38 प्लेस, 154 सोनेट एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखे हैं। ही वॉज अ पोएट, प्ले राइट, एक्टर, फिलोसफर एंड अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उन्होंने अपने प्लेस के माध्यम से कई कैरेक्टर्स में जान डाल दी, जैसे ओथेलो, किंग लियर, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ एंड मैनी मोर। उनका जन्म अप्रैल 1564 में एक छोटे से विलेज स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा एक लोकल फ्री स्कूल में हुई थी। देन ही वॉज मैरिड टू एने हैथवे इन 1582। एन हाथवे विलियम शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। उनको एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने सुजाना रखा। फिर ट्विंस हुए, ज्वेडिथ एंड हैमनेट। हैमनेट की मौत एट द एज ऑफ 12 हो गई थी। 1585 में ये लंदन आ गए एक बेटर लाइफ की तलाश में। 1585 से 92 तक किसी को नहीं पता ये कहाँ थे। ये इनके लॉस्ट ईयर्स माने जाते हैं। माना जाता है इन्हीं वर्षों में शेक्सपियर ने डीप स्टडी की थी, जिससे उन्हें इतने ग्रेट ड्रामास लिखने की इंस्पिरेशन मिली। ईयर 1592 के बाद जब वो ड्रामास लिख रहे थे तो उनके फेलो ड्रामेटिस्ट ने उन्हें रविस कहा। एक ड्रामेटिस्ट रॉबर्ट ग्रीन ने उन्हें कहा, एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड बाय अदर फेदर्स। देन इन ईयर 1594 उनके प्लेस लॉर्ड कैम्बरलेन थिएटर कंपनी में परफॉर्म होने लगे। वो वहाँ पे एक्टर के रूप में भी काम करते थे। शेक्सपियर की कॉमेडीज क्वीन एलिजाबेथ को बहुत पसंद आती थी। इन ईयर 1603 व्हेन क्वीन एलिजाबेथ वाज डेड, जेम्स वन ने एक रॉयल पेटेंट जारी किया और लॉर्ड कैम्बरलेन थिएटर कंपनी का नाम किंग्समैन रख दिया। उसके बाद से शेक्सपियर के प्लेस पब्लिश होने लगे। उन्होंने अपना थिएटर भी लिया जिसका नाम था द ग्लोब थिएटर। उनके प्लेस इस ग्लोब थिएटर से फेमस होते होते पूरे ग्लोब में फेमस हो गए। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसमें विलियम शेक्सपियर के प्लेस ट्रांसलेट ना हुए हों। उनकी थीम्स इतनी यूनिवर्सल और रेसोनेंट होती थी, उनके कैरेक्टर्स इतने लाइफ लिविंग होते थे दैट विलियम शेक्सपियर प्लेस रिमेन अमंग द मोस्ट प्रोड्यूस्ड इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड टू दिस डे। ईयर 1611 में वो जाके स्ट्रैटफोर्ड में रिटायर हो गए एंड इन ईयर 1616 ही वॉज साइलेंटली डेड। उनकी लाइन उन पर बहुत अच्छे से फिट होती है जो बोलती है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ईयर 1623 में उनके को एक्टर्स एंड फ्रेंड्स जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉनरेल ने उनके पूरे प्लेस को पब्लिश किया और उसको नाम दिया गया द फर्स्ट फोलियो। इस फर्स्ट फोलियो की प्रीफेस की पोएम लिखी मिस्टर बेन जॉनसन, जो विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड भी थे, को एक्टर भी थे और प्ले राइट भी थे। ही हैज़ रिटन, ही वॉज नॉट एन एज बट फॉर ऑल टाइम। मतलब वो सिर्फ एक एज के नहीं थे, वो हमेशा के लिए थे। विलियम शेक्सपियर पहले ऐसे प्ले राइट थे जिन्होंने ग्रीक मॉडल्स को फॉलो नहीं किया, अपनी खुद की ड्रामेटिक स्टाइल इन्वेंट की। वो कोई सी यूनिटी फॉलो नहीं करते थे, ना यूनिटी ऑफ टाइम, ना यूनिटी ऑफ प्लेस, ना यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर भी उन्होंने इतने शानदार प्लेस लिखे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्लेस के अलावा उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी। सोनेट्स होती हैं 14 लाइन की पोयम। उन्होंने खुद की सोनेट भी इन्वेंट की जिसे कहा जाता है शेक्सपियरन सोनेट। सोनेट्स के अलावा 2 लॉन्ग नरेटिव पोयम, द वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्री भी लिखीं। ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ही वॉज अ पोएट, प्ले राइट, एक्टर एंड अ फिलोसफर। फिलोसफी उन्होंने अलग से नहीं लिखी, बल्कि कैरेक्टर के माध्यम से वो अपनी फिलोसफी बताते थे। उनके प्लेस 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं। पहला हिस्ट्रीज, दूसरा ट्रेजेडी, तीसरा कॉमेडीज। उनके प्लेस 3 ऑर्डर्स में कैटेगराइज किए गए हैं, अर्ली प्लेस, मिडिल प्लेस एंड द लेट प्लेस। तो हम उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस पढ़ते हैं। अर्ली प्लेस, किंग हेनरी 6 पार्ट 1, किंग हेनरी 6 पार्ट 2, किंग हेनरी 6 पार्ट 3, टाइटस एंड्रोनिकस,
द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द टेमिंग ऑफ द श्रियू, किंग रिचर्ड थ्री, मिडिल प्लेस किंग जॉन, लव्स लेवर लॉस्ट, रोमियो एंड जूलियट, अ मिड समर नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग रिचर्ड टू, किंग हैनरी फोर पार्ट वन, किंग हैनरी फोर पार्ट टू, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मच एडो अबाउट नथिंग, किंग हैनरी फाइव, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, ट्रॉयलस एंड क्रेशिडिया, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मैसर फॉर मैसर, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, डायमंड्स ऑफ एथेंस, कोरियोलेनस, लेट प्लेस पेरिसिल्स, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड किंग हैनरी एट। निकोलस रोप पहले बायोग्राफर थे जिन्होंने शेक्सपियर की बायोग्राफी लिखी। जॉन ड्राइडन ने कहा था, आई एडमायर जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। अ जर्मन ड्रामेटिस्ट अगस्ट विलहेम सेजगिल ट्रांसलेटेड हिज प्लेस इन जर्मन। हेरोल्ड ब्लूम ने कहा था, शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एरिस्टोटल एंड सेंट ऑगस्टीन। टी एस इलियट एक मॉडर्न पोएट और प्ले राइट ने लिखा है कि उन्होंने प्रिमिटिव एरा में लिखा लेकिन वो हमसे ज़्यादा भी मॉडर्न थे। आगे हम उनके वर्क्स को और डिटेल में पढ़ेंगे, हर प्लेस को, हर पोएम को, हर सोनेट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माइंड मैप लिटरेचर। थैंक यू।